कैसे एंट्री कर करिए सर बताते हैं। सलामत है और आबाद शाह, आज आप बता रहे हैं जो कि बेहतरीन रोड है जो बहुत कम गाँव में पत्थर मिलते हैं। तो हमारे गाँव से एक पत्थर जाते हुए वो भी आपको दिक्कत कराते हैं साथ साथ। नया काम शुरू हो गया है, पहले छोटे बच्चे उठाते थे, अब यंगस्टर्स को उठाना शुरू कर दिया है 12, 15, 16, 18 साल के, वो लोग जो शऊर रखते हैं वो बच्चे अब कर रिए रहे हैं कि कुरान पाक के और राग को कुरान से फाड़ के नऊज़ बिल्ला उन्हें शहीद करके और उनके ऊपर दवाई लगाते हैं और वो फिर रास्तों में फेंक देते हैं, उन रास्तों के अंदर जिन रास्तों पर वो गाड़ियाँ लगा के खुद गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। और वो बच्चे उस कुरान का वर्क जब देखते हैं नीचे पड़ा हुआ तो वो उठाते हैं और ये हमारी फितरत है, हम उसे चूमते हैं और जो ही उसको वो चूमने के लिए नाक के करीब लगाते हैं वो बहुत ही तेज़ किस्म की दवाई होती है उस पर लगी हुई, फौरन बेहोश हो जाते हैं। वो उनको उठा के अगर कोई देख भी लिया तो कहते हैं जी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, जी गिर गया है, जी इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो ये एक नया काम शुरू हो चुका है, तो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, सारे बच्चों को बिठा के बताएं कि बिल्कुल भी इस तरह अगर कुरान के और आग मिलते हैं पड़े हुए तो उनको उठा लें, उनको वहीं पे तय कर लें, नाक के करीब लेके नहीं जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ग्रुप मेंबर्स को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि अभी एक नया काम शुरू हो गया है, पहले छोटे बच्चे उठाते थे अब यंगस्टर्स को उठाना शुरू कर दिया है 12, 15, 16, 18 साल के, वो लोग जो शऊर रखते हैं वो बच्चे अब कर रिए रहे हैं कि कुरान पाक के और राग को कुरान से फाड़ के नऊज़ बिल्ला उन्हें शहीद करके और उनके ऊपर दवाई लगाते हैं और वो फिर रास्तों में फेंक देते हैं, उन रास्तों के अंदर जिन रास्तों पर वो गाड़ियाँ लगा के खुद गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। और वो बच्चे उस कुरान का वर्क जब देखते हैं नीचे पड़ा हुआ तो वो उठाते हैं और ये हमारी फितरत है, हम उसे चूमते हैं और जो ही उसको वो चूमने के लिए नाक के करीब लगाते हैं वो बहुत ही तेज़ किस्म की दवाई होती है उस पर लगी हुई, फौरन बेहोश हो जाते हैं। वो उनको उठा के अगर कोई देख भी लिया तो कहते हैं जी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, जी गिर गया है, जी इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो ये एक नया काम शुरू हो चुका है, तो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, सारे बच्चों को बिठा के बताएं कि बिल्कुल भी इस तरह अगर कुरान के और आग मिलते हैं पड़े हुए तो उनको उठा लें, उनको वहीं पे तय कर लें, नाक के करीब लेके नहीं जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ग्रुप मेंबर्स को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बच्चों का ख्याल करें, अस्सलाम वालेकुम जी, एक नया काम शुरू हुआ है, पहले छोटे बच्चे उठाते थे, पहले छोटे बच्चे उठाते थे, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अपने बच्चों का ख्याल 12, 15, 16, 18 लोग जो शऊर है, पहले छोटे बच्चे उठाते थे अब कर रिए रहे हैं कि रात को कुरान पाक के और रात 12, 15, 16 शहीद करके नऊज़ बिल्ला उठाते हैं।